ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर ने बताया कि तिलक मैरिज हॉल थाना कोतवाली जिसे क्वारंटाइन सेंटर बनाते हुए उसमें 33 कोरोना संदिग्धों को रखा गया था, में से 8 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट कराते हुए उनका उपचार कराया जा रहा है। चूंकि उक्त क्वारंटाइन सेंटर तिलक मैरिज हॉल में अभी 25 और व्यक्ति पूर्व से क्वारंटाइन है, जिनका भी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के नियमित उक्त क्वारंटाइन सेंटर को सील करते हुए तिलक मैरिज हॉल क्वारंटाइन सेंटर के दक्षिण तरफ सड़क का करीब 400 मीटर का एरिया सील करने का आदेश दिया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशानुसार उक्त परिधि सीमा में जन मानस के रोजमर्रा के सामानों के बिक्री आपूर्ति प्रतिष्ठानों को खोलकर किए जाने हेतु निर्गत समस्त ऑफलाइन ऑनलाइन ई पास को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उक्त क्वारंटाइन सेंटर के नियत परिधि क्षेत्र में किसी भी तरह की दुकान खोलना अथवा आवागमन एम्बुलेंस मजिस्ट्रेटगढ़ के राजकीय वाहन अथवा पुलिस विभाग से संबंधित अधिकारियों के वाहन कोरोना वॉरियर्स को छोड़कर को पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाता है। उक्त क्वारंटाइन सेंटर के दक्षिण तरफ 400 मीटर के क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से पाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा घोषित ऑनलाइन डिलीवरी पोर्टल पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त सील कराए गए क्षेत्र के लिए लेखपाल विनय श्रीवास्तव को इंसिडेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, आज हमारे क्षेत्र में ये थाना कोतवाली क्षेत्र में तिलक मैरिज गार्डन है, जहाँ पे हमने एक शेल्टर होम बनाया था। वहाँ पे 8 पॉजिटिव केस मिले हैं। उस इलाके को हमने कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए उसको सील कर दिया है। तिलक मैरिज गार्डन में आज वहाँ पे 8 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। इनका सैंपल कराया गया था, परसों इनका सैंपल लिया था, आज रिपोर्ट आई। बाकी के वहां पर 22 लोग हैं, उनके सैंपल नेगेटिव आए, उनको अब होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इसमें हॉटस्पॉट आपके कितने हो गए शहर में? आज शहर में हमारे 3 हॉटस्पॉट अब कम हो गए। 3 हॉटस्पॉट जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव थे, वो नेगेटिव हो गए। अब जैसे रजही था, सरना टोला था और गोरखनाथ में रसूलपुर था, तो तीनों केसेस नेगेटिव हो गए हमारे, तो उसको हॉटस्पॉट से हटा दिया गया है। ये नया हॉटस्पॉट बना है आपका तिलक मैरिज गार्डन में थाना कोतवाली अंतर्गत। ये 8 क्या है कि इसमें पिपराइज के 6 लोग हैं, एक बडलगंज का है और एक खजनी तहसील का है, लेकिन ये लोग ट्रेन से आए थे, उनको सीधा यहीं पर रुकवाया गया था।